बीघा बस्ती में सोमवार की दोपहर को एक युवक ने अपने मामा के साथ हुए झगड़े में दो वर्षीय बच्चे के सिर में तेज धार हथियार से हमला कर बच्चे को बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल हुए दो वर्षीय बच्चे को बस्ती के लोग सिविल अस्पताल रादौर ले गए, जहां बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा सेंटर यमुनानगर रेफर किया गया। इस बारे थाना रादौर प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी, जबकि घटना को अंजाम देने वाला युवक फरार है। एसडीएम कार्यालय रादौर में सोमवार को एसडीएम डॉक्टर पूजा भारती ने पीस कमेटी की एक बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से 28 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों बारे सभी को अवगत करवाया गया। इस अवसर पर जारी निर्देशों में एसडीएम डॉक्टर भारती ने कहा कि हरिद्वार से कावड़ लेके आ रहे श्रद्धालुओं के लिए कावड़ शिविर बाईं तरफ लगाया जाना चाहिए। वे शिविर की सड़क से दूरी 100 फुट की होनी चाहिए। इसके साथ ही शिविर में किसी प्रकार की नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए तथा शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य है, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। एसडीएम कार्यालय रादौर की ओर से प्रेस को जारी विज्ञप्ति में वाहन चालकों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि जो वाहन 27 अप्रैल 2012 से पहले या बाद में पंजीकृत करवाए गए हैं, ऐसे सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई जाने अनिवार्य है। वाहन मालिक एसडीएम कार्यालय रादौर में आरसी की फोटो कॉपी व निर्धारित फीस जमा करवाकर इन नंबर प्लेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से इंकलाब मंदिर गुमथला में सोमवार को शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी सरदार इंद्रजीत सिंह ने शहीद चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट वरियाम सिंह ने कहा कि हमें ऐसे शहीद के जीवन से प्रेरणा लेकर भारत माता की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव नरेश सारण ने की। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर चौधरी की देखरेख में आयोजित हुई बैठक में बसपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने व अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने को लेकर रणनीति तय की गयी। जयपुर गांव के सरकारी स्कूल में सरकार द्वारा चलाए जा रहे पौधागिरी कार्यक्रम के तहत गांव की सरपंच सुनीता कांबोज ने स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर स्कूल प्रांगण में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उनके साथ गांव के पूर्व सरपंच सुभाष कांबोज ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सरपंच सुनीता कांबोज ने सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। रादौर की खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे रादौर टाइम्स के साथ। अगर आपके पास कोई भी खबर है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है हरियाणा अपडेट 007@gmail.com।